हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को और उसकी सर्कुलेशन को, पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हार्ट। हार्ट का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। द हार्ट सिट्स इन मेडिस्टिनम। हार्ट जो होता है वो थोरेसिक कैविटी के बीच में स्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया सर्किट। तो चलिए हम पहले सर्किट को समझ लेते हैं। पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमैटिक सर्किट क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए, लोअर बॉडी पार्ट है। पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से आता है और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है लंग्स से। ठीक है, लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। और बॉडी में जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है लंग्स में और लंग्स से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, बॉडी पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला यहाँ से। फिर यहाँ पे किडनी है, किडनी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रेनल वेन से निकला। और यहाँ पे लीवर है, लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक वेन से निकला। और यहाँ पे अपर बॉडी पार्ट से जो है वो भी यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। पूरा ब्लड जो है एक वेन से निकल के यहाँ पे देखिए आके एक वेना केवा में, पूरी वेन्स मिलके एक वेन बनाती हैं जिसको हम वेना केवा बोलते हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ गया किसमें, राइट एट्रियम में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके चली जाएगी, लंग्स में लेके चली जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स की आर्टरी को हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इधर देखते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा, लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ से CO2 बाहर रिलीज हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन को हम इन्वायरमेंट से ले लेंगे लंग्स में। फिर लंग्स में ऑक्सीजन जब आ जाता है तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देता है। फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। फिर लंग्स जो है एक वेन बनाता है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आके लेफ्ट एट्रियम में रिलीज़ करता है। लेफ्ट एट्रियम से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है और अपर बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लीवर में हिपैटिक आर्टरी में जाके रिलीज कर देता है। हिपैटिक आर्टरी जो है लीवर को ट्रांसपोर्ट कर देती है। फिर यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल वेंस हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन्स, यहाँ लीवर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हिपैटिक पोर्टल वेन में आ जाती हैं जिससे स्टमक और इंटेस्टाइन को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रेनल आर्टरी में आ जाती है जिससे किडनी को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लोअर बॉडी पार्ट में आ जाता है। इससे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये है पूरा सर्कुलेशन। इस वेना केवा से पल्मोनरी आर्टरी तक के सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और इसके सर्किट को पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। फिर अपर बॉडी पार्ट से रेनल वेन तक, लोअर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट तक के सर्कुलेशन को हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं और सर्किट को सिस्टमैटिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया प्रोसेस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ से ये येलो जो डॉट जो है ये कैसे ब्लड के सर्कुलेशन को शो कर रही है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो शो करा रही है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड जो है ये देखिए कैसे यहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन को दिखाया जा रहा है। फिर चलिए हम हार्ट की फिगर को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। ये हार्ट है, हार्ट में सिस्टमैटिक सर्किट यहाँ पे दिया हुआ, लोअर बॉडी पार्ट दिया हुआ है। फिर पल्मोनरी सर्किट लेफ्ट लंग्स बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट राइट लंग्स है।
सिस्टमैटिक सर्किट अपर बॉडी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स के स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो कराया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एरो बना हुआ है, एरो से ही ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे होता है। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम हो गई, इसके बाद लोअर में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्किट को ऐसे ही दिखाया गया है। इसके बाद आ जाती है कवरिंग ऑफ हार्ट एंड लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। यहाँ पे देखिए कवरिंग और उसके हार्ट वॉल को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए इस कवरिंग को, यहाँ पे और वॉल को दिखाया गया है अच्छे से। यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी होती है और फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है लेयर, वो पेरिकार्डियम होती हैं, पेराइटल लेयर होती हैं, विसरल लेयर होती हैं जिसे एपिकार्डियम कहते हैं। यहाँ पे एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम लेयर्स पाई जाती हैं। यहाँ पे एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम लेयर्स को दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए मायोकार्डियम मसल्स होती हैं और कार्डियक स्केल्टन होती हैं मायोकार्डियम में, ठीक है। ये हार्ट वॉल और उसकी लेयर हो गई। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है जिसमें सुपेरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरीज, और यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे भी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस, ठीक है। सुपेरियर वेना कोवा और केवा और एरोटा, एट्रोवेंट्रिकल वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ सब इसको दिखाया गया है। ये हम अभी पूरे सर्किट में पढ़े थे, उसके सर्कुलेशन में भी पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं और इन्फीरियर वेना केवा भी पाया जाता है, सेमी लूनर वॉल्व पाए जाते हैं जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या मित्रल बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लड के सर्कुलेशन को येलो डॉट से दिखाया जा रहा है कि ब्लड कैसे राइट से लेफ्ट में आता है, सॉरी एट्रियम से और वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पुअर ब्लड दिखाया जा रहा है, किसको, आर्टरी को, ये आर्टरीज है ना, और सुपीरियर वेना केवा में और पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन पुअर ब्लड पाया जाता है। फिर यहाँ पे कोरोनरी साइनस होता है, कोरोनरी साइनस को दिखाया गया है। इसके बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है यहाँ पे पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी वेंस लेफ्ट एट्रियम में जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है, ये भी दिखाया गया। इसके बाद यहाँ पे वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन पंप ब्लड दिखाया गया है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे जब वेंट्रिकल पंप करती है तो ब्लड हमारा एट्रियम में चला जाता है वेंट्रिकल से, फिर यहाँ पे ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, दिखाया गया है वॉल्व को दिखाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, मित्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व से पाई जाती हैं हार्ट में, ये सारी वॉल्व को भी दिखाया गया है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हार्ट की फिगर को हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू।